बजाज फाइनेंस कंपनी से सामान खरीदे बगैर लोगों को कर्जदार बनाने का मामला सामने आया है। ऐसे ही एक पीड़ित ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर रुपया वापस दिलाए जाने की मांग की है। बजाज फाइनेंस कंपनी से भी किसी भी तरह की सामग्री खरीदे बगैर लोगों को कर्जदार बनाकर बैंक खाता से रुपया निकालने का मामला सामने आया है, जिससे आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह द्वारा पीड़ित व्यक्ति के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पीड़ित अवतार सिंह के खाते से उनकी जानकारी के बिना बजाज फाइनेंस कंपनी द्वारा रुपये निकाल लिए गए थे। शाखा प्रबंधक से शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की गई है। पूरे मामले की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह और पीड़ित अवतार सिंह ने दी। यह कि छत्तीसगढ़ राज्य में बजाज फाइनेंस कंपनी द्वारा ब्रांच खोलकर विभिन्न जिलों में एवं विभिन्न नगरों में उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ नागरिकों को जो जोड़ने का कार्य करके किया गया है, उसके माध्यम से उन लोगों के द्वारा जिनका कि वर्तमान में बजाज फाइनेंस कंपनी में ना ही कोई ऋण लिया गया है और ना ही कोई किसी तरह का लेन देन किया जा रहा है, ऐसे लोगों का जिनका बैंक खाता में उनका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, उनके मोबाइल नंबर के अकाउंट से रुपए का ऑनलाइन के माध्यम से रुपए लिया जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके संबंध में पूर्व में भी इसकी एक शिकायत SDM साहब को किया गया था और SDM महोदय ने तत्काल उसकी जांच भी करवाया था, जिसका जांच छावनी थाने में चल रहा है। किंतु वर्तमान में इस कुछ लोगों को राहत मिलने के उपरांत कई लोग ऐसे हैं जिनका पुनः जांच चलने के बावजूद उनके खाते से रुपए निकालने का कार्य किया गया है, जिसकी शिकायत जनदर्शन में जिला कलेक्टर को करवाया गया है और जिला कलेक्टर महोदय ने इसे तत्काल गंभीरता से लेते हुए ADM से जांच कराने की बातें कही है। मैंने सर जी बजाज कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, उसके चलते वो मेरे ऊपर 56,000 का लोन डाल दिए हैं जबरदस्ती का। मैंने कोई लोन नहीं लिया, वो 11वें महीने 2021 में मेरे खाते से पहला किस्त काट लिए हैं, बोले ये लोन का किस्त है। मैंने उनके यहाँ एप्लीकेशन भी दिया था तो वो लोग बोले लोन लिए हैं आप लोग। मैं क्या कोई लोन नहीं लिया, बोले आपके मोबाइल से लोन लिया गया है। मैंने कोई लोन नहीं लिया, वो जांच भी किए और कोई किसी और का लोन मेरे ऊपर डाल दिए हैं। और मैंने भैया सुमन सिंह को लेके साथ में SP महोदय को और कलेक्टर जी को शिकायत किया था सौनी थाने में, उसकी जांच चल रही है। सौनी थाने में मेरा बयान भी हो गया और फिर अभी मेरा पैसा काट ले रहे हैं, दो बार फिर पैसा काटा है, एक बार 1500 रुपया, एक बार 5600 रुपया। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूँ कि वो सब तामझाम बंद हो, मेरा पैसा वापस दिया जाए। मैंने कोई लोन नहीं लिया, उसका जाँच हो, जो भी वो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बहरहाल जिला कलेक्टर द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए SDM के माध्यम से मामले की जांच शुरू करा दी गई है, साथ ही पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।